तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 रुपए के एक ऐसे नोट के बारे में जिसकी आज के समय में कीमत जाती है लगभग 40 से 50 लाख रुपए के बीच। और दोस्तों, ये कोई झूठी खबर या फेक न्यूज नहीं है, ये नोट सच में ही इतना कीमती है। तो दोस्तों, कौन सा है वो नोट, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपने 10 रुपए के काफी अलग अलग तरह के नोटों के बारे में सुन रखा होगा, जैसे कि इस तरह के 10 रुपए के नाव वाले नोट या फिर इस तरह के मोर वाले 10 रुपए के नोट, जिनके बारे में हजारों तरह की ऐसी बातें बताई जाती हैं कि ऐसे नोट आप लोगों को लाखों करोड़ों रुपए दिला सकते हैं। जिनमें से कुछ तो ऐसे नोट है जिनको की कभी RBI या भारत सरकार ने जारी ही नहीं किया था, मगर इनमें से कुछ ही ऐसे नोट है जिनकी कीमत लाखों तक में जा पाती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 10 रुपए के एक ऐसे नोट की जो की सच में बिक रहा है 40 से 50 लाख रुपए में। तो जिस नोट की आज हम बात कर रहे हैं वो है ब्रिटिश इंडिया के जमाने का ये नोट। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है कि इसकी कीमत 40 लाख तक जा सकती है। तो बात करें इस नोट की खासियतों की, तो ये नोट जारी हुआ था 14 जून 1864 में, यानी कि आज से लगभग 155 साल पहले। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कागज के नोटों को इतने सालों तक अच्छी कंडीशन में बनाए रख पाना ही एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम होता है, जबकि वहीं अगर सिक्कों की बात करें तो ये हजारों सालों तक भी ऐसे ही बने रह सकते हैं। तो जिस 10 रुपए के नोट की आज हम बात कर रहे हैं वैसा ही एक नोट कुछ सालों पहले भी मुंबई के तोड़ी वाला ऑक्शन में देखने को मिला था, पर वो नोट उस नोट का सिर्फ आधा ही हिस्सा था। और इस आधे नोट की कीमत आंकी गई थी 10 लाख से 13 लाख रुपए के बीच में। लेकिन ये जो 10 रुपए का नोट आप लोग देख रहे हैं ये एक पूरा नोट, और इस नोट को रखा गया है तोड़ी वाला ऑक्शन के 125वें ऑक्शन में। और यहाँ पर इस नोट की जो ओपनिंग बिट है वो है 40 लाख रुपए, और अभी इसकी ऑनलाइन बिडिंग शुरू हो चुकी है। और इसकी जो फाइनल बिडिंग होगी वो की जाएगी मुंबई के एग्जीबिशन में, यानी 20 सितंबर 2019 को शाम 6 बजे। तो बात करें इस 10 रुपए के नोट की, तो ये नोट है ब्रिटिश इंडियन काल का एक यूनिफेस नोट, यानी कि इस पर सिर्फ एक ही तरफ छपाई की गई है। और उस समय के ये नोट बनाए जाते थे इंग्लैंड में, जिसको की हैंडमेड पेपर से तैयार किया जाता था। तो इस नोट के सबसे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे बना हुआ है क्वीन विक्टोरिया का पोर्ट्रेट, जो कि लगभग वैसा ही है जैसा 1862 के बाद के सिक्कों पर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसके नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर है एक रेड कलर का हैंड स्टैम्प जिस पर अंग्रेजी में बैंक ऑफ बॉम्बे और बीच में गुजराती में मुंबई नी बैंक लिखा हुआ है। तो इस सीरीज में इस तरह के कुछ और भी डिनोमिनेशंस के नोट आए थे, जैसे कि इसी तरह का ये 20 रुपए का नोट, और ये इस तरह के इकलौते नोट थे जिन पर की क्वीन विक्टोरिया का पोर्ट्रेट बनाया गया था। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात ये होगी कि ये नोट 20 सितंबर को होने वाले ऑक्शन में कितने रुपए तक में बिकता है। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और आगे भी इसी तरह की सच्ची और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही दबा दें उस घंटी के बटन को ताकि आपको मिलती रहे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस और आप देख सके उन वीडियोस को सबसे पहले। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।